पूर्णिया जिले के धमदाह से एक खबर सामने आ रही है, जहां बीते 27 नवंबर को दोपहर में अनुमंडलीय अस्पताल से महज कुछ दूरी पर स्थित लक्ष्मी इंटरप्राइजेज में गिट्टी लोड कर रहे एक ट्रक ड्राइवर को कुछ अज्ञात अपराधियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बता दें कि इस घटना में धमदाह थाना की पुलिस ने सफल उद्भेदन कर लिया है। मिली जानकारी अनुसार मृतक का नाम बबलू राय था, जो भवानीपुर थाना क्षेत्र के सोनदीप मिलिक पंचायत का निवासी था। ज्ञात हो कि उस वक्त हत्या का कारण लोगों ने ब्रेन हेमरेज बताया था, लेकिन पुलिस को ये बात नहीं जची, जिसके बाद पुलिस के द्वारा लगातार इस मामले पर छानबीन की गई। वहीं इस हत्या का खुलासा बीते बुधवार 5 जनवरी को कर लिया गया। मिली जानकारी अनुसार इस हत्याकांड के 3 आरोपी को धमदाह पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। गिरफ्तार तीनों अपराधी में बमबम कुमार, कुंदन कुमार और गोपाल राय शामिल हैं। बता दें कि गोपाल राय मृतक का सगा भाई है। इन तीनों ने मिलकर पूरी घटना की साजिश रची थी। घटना में प्रयुक्त एक हंक मोटरसाइकिल एवं 3 मोबाइल फोन बरामद किया गया। वहीं अनुसंधान के क्रम में इस कांड का सफल उद्भेदन किया गया, जिसमें इस कांड की वादी गोपाल रहा, जो मृतक का सगा भाई है। गिरफ्तार तीनों अपराधियों ने पुलिस के समक्ष घटना को अंजाम देने की बात को स्वीकार कर लिया। वहीं बचे हुए अभियुक्त की गिरफ्तारी भी जल्द ही कर ली जाएगी। आपको बता दें कि इस घटना के सफल उद्भेदन करने वाले गठित टीम में प्रशिक्षु पुलिस उपाधीक्षक आनंद मोहन गुप्ता, पुलिस निरीक्षक सह थानाध्यक्ष रंजन कुमार सिंह, पुलिस अवर निरीक्षण सूरज प्रसाद, प्रशिक्षु पुलिस अवर निरीक्षण बबीता कुमारी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। पूर्णिया से सोनू कुमार झा की रिपोर्ट। 27/11/21 को एक हत्या हुई थी ट्रक के अंदर में, और वो अज्ञात केस हुआ था। फिर हमारी टीम उसमें लगी, हमारे और इस पर काफ़ी काम हुआ, तकनीकी तौर पर भी काम हुआ, और उसमें हत्या का उद्भेदन हुआ है, जिसमें हत्या जो है इनके भाई, उसके सगे भाई गोपाल राय के द्वारा करवाई गई है। और उस हत्या में इनके अलावा 5 लोग शामिल हैं। 4 लोग जो है वो हत्या में डायरेक्ट शामिल हैं, और एक लाइनर है जिन्होंने इस पूरे हत्याकांड को लोगों इनको हथियारों से मिलवाया और उन्होंने सारा काम किया, जिसमें 2 लोग पकड़े गए हैं। एक है बमबम कुमार मेहता, जिसने गोली चलाई और हत्या की, और एक उसके साथ है कुंदन कुमार। 2 लोग पकड़े गए हैं, और जो जिन्होंने ये हत्या की साजिश रची गोपाल राय, जो उनका सगा भाई है, वो भी पकड़े गए। इन्होंने कबूल किया है, और कैसे कैसे क्यों हत्या हुई और किन परिस्थितियों में हत्या हुई, ये सारी बातें खुल गई है। 3 और लोग इसमें बचे हैं, और हमें उम्मीद है कि जल्दी हम लोग उनको पकड़ लें। सर, हत्या का कारण क्या था? हत्या का कारण इनका आपसी विवाद है, 2 भाई है, और 20 वर्षों से इनका विवाद है, कुछ ना कुछ चला आ रहा है, और ये इस विवाद को सुलझाने के बजाय अपने मन में रखे हुए कि हमारा भाई है, हमारे माता पिता है, जो हमसे दोहरा व्यवहार करते हैं, तो हम इसको रास्ते से हटा देंगे तो सारा जमीन जायदाद सारा चीज़ मेरा हो जाएगा। सर, 2 इसके साथ 2 गिरफ्तार हुआ है, एक और कहाँ का है सर? 2 है, ये दोनों मधेपुरा जिला के हैं, एक है पुरैनी थाना अंतर्गत और दूसरा है आलमनगर थाना। और सर, इसमें मोबाइल बरामद हुआ है जो मृतक थे उनका, वो मोबाइल है जो कि इस हत्या में यूज किया गया है, इसका लोकेशन लेने के लिए और उसके बाद ये खबर करने के लिए। उसमें एक और बात है कि ये हत्या जो है 1.25 लाख रुपए में तय हुई थी कि 1.25 लाख रुपया में हत्या की जाएगी, तो 1,12,000 रुपया इसने दे भी दिया था, फाइनली इसी पे सेटल हुआ था। हथियार भी बरामद हुआ है सर, जिसे गोली चली थी? बरामद नहीं हुआ, जिनके पास हथियार है वो अभी पुलिस की गिरफ्त से अभी बचे हुए हैं, तो जल्दी हम लोग को